यूं तो तस्वीरें आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन हम आपको आज लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यह सभी अलग अलग पार्टियों का समर्थन करते हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियों के समर्थन करने वाले भी इस तस्वीर को देखकर कह रहे हैं कमाल की तस्वीर। ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष चुने जाने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें चेयर तक पहुंचा और चेयर संभालने के बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की खूबसूरत तस्वीर सामने आया है, जिसमें दोनों एक साथ एक जगह खड़े हैं। यह लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर के रूप में मानी जा रही है। बता दें कि आज सुबह 11 बजे अध्यक्ष के चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने ओम बिरला का नाम लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समर्थन किया था। इसके बाद जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला का नाम भी प्रस्तावित किया था। वहीं पक्षी गठबंधन की तरफ से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सुरेश नाम का प्रस्ताव सदन में रखा था, जिसका आरएसपी नेता के प्रेमचंद्र ने समर्थन किया था। विपक्षी दलों की तरफ से अन्य कई नेताओं ने भी सुरेश के नाम पर प्रस्ताव सदन में रखा और कई सांसदों ने उनका समर्थन किया। सदन के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ध्वनि मत से ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी। विपक्षी दलों की तरफ से मत विभाजन की मांग नहीं करने के कारण बिरला ध्वनि मत से ही अध्यक्ष चुन लिए गए।